जैसे कि आप जनता को आम मालूमात है, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, समय नहीं, हमारे एमपी सर के पास भी ज्यादा समय नहीं है। और पूरा हमारे टीएसजी ब्लॉक की कुछ मेमोरेंडम है जिसको मैंने मंडल प्रेसिडेंट श्री काचो साहब के पास दिया है, और प्लीज हमारे एमपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उसको भी कंसिडर करें। और मैं फ्यू वर्ड्स एमपी साहब से बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे यूथ को लेके स्पेशली स्पोर्ट एक्टिविटीज को लेके यहाँ पे बहुत ही इस चीज की वीकनेस है। हमारे बच्चे काफी टैलेंट हैं, इस गांव के बच्चे वॉलीबॉल को लेके, क्रिकेट को लेके काफी टैलेंट है हमारे युवा छात्रों में, जो कि अभी रिसेंटली नेशनल खेल के आया है। आपके हमारे देश के गुजरात स्टेट और अन्य स्टेट में गए थे वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए, और इनके लिए ग्राउंड का जिसको हमने मेमोरेंडम में स्पेशली आपको दिया है, और प्लीज आप इस पर भी कंसिडर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की खूबियत आप सबको पता है, हमारे गांव में आपकी जो सबसे पहले तो एमपी साहब का बड़े धन्यवाद, जिन्होंने काचो साहब ने हमेशा एमपी साहब को ये बात बोल के हमारे ट्रस्टबोर्ड में काफी तरक्की हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, युवा छात्र होने के कारण आपको ये संदेश देता हूँ, हमारे विद्यालयों में शिक्षा की बड़ी कमी है, अध्यापक की कमी है यहाँ पे, इन चीज के ऊपर भी आप कंसिडर करें। और स्पेशली धन्यवाद करता हूँ हमारे नॉमिनेट काउंसलर श्रीमती लीला बानो और अन्य बीजेपी वर्कर का, उनका मीटिंग का बड़े धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अभी तक कंसिडर करके इश्यू को आगे प्रमोट किया है। और चीज थोड़ा एमपी साहब प्लीज युवाओं के लिए आप थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, स्कूल के लिए हाई सेकेंडरी स्कूल है जिसको अपग्रेड करने, मतलब एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अपग्रेड करने की जरूरत है। और दूसरा एक स्पेशली एक महिलाओं के लिए एक स्कूल की, गर्ल्स हाई सेकेंडरी की बहुत जरूरत है हमें, उस चीज को अपग्रेड। कनौर एरिया में कुछ स्कूल है जो कि अभी तक 15 साल से हमारे यहाँ पे एनसी कांग्रेस जो भी सरकार के अंदर रहा है अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, स्पेशली एजुकेशन को लेके कुछ फोकस नहीं किया है। यहाँ पे रिसेंटली एलएसडीसी में हमारे एनसी का काउंसलर होते हैं या कांग्रेस का काउंसलर रहा है, अभी तक बिल्कुल अंधेरे में ही रहा हमारे एरिया। जब से बीजेपी सरकार आया है पूरे सेंटर से लेके आप जहां भी जाओ, स्पेशली युवाओं को देखो कितना आगे तरक्की किया आपकी पार्टी ने। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और हमारे जी श्री अमित शाह जी का और हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का और हमारे ऑनरेबल एमपी लद्दाख का, बड़े धन्यवाद करता हूँ सर। और एक चीज ये है कि हमारे आपने जो स्कीमें लॉन्च किया था जो पब्लिक तक पहुंचा है, स्पेशली यहाँ के मेडिकल की फैसिलिटीज के लिए हमारे नंबरदार ने आपको बताया है कि हमारे मेडिकल में स्टाफ की बहुत कमी है, पैरामेडिकल की बहुत जरूरत है, इसको अपग्रेड की बहुत जरूरत है। तो प्लीज एमपी साहब बड़े धन्यवाद आपका, आप इनके ऊपर कंसल्ट करें। और मैं दावत करता हूँ ऑनरेबल एमपी साहब का कि आप पब्लिक से मुखातिब करें, धन्यवाद। पार्टी मंडल प्रेसिडेंट का जो साहब नाम कने का पार्टी में चाम शिव दाम शिव अचे लीला ऑनरेबल काउंसलर नाम हाली मजा साहब नाम चाम शिव कर कुनी अशोक यंग महास नतांग ई सब डिवीजन एस डी एम साहब नाम एने टूरिज्म ए डी साहब नाम या चाम शिव का ऑफिशियल नतांग अलग अलग महकमे समा शुक्रिया। मुझे याद है ये मेरा इस ब्लॉक हेडक्वार्टर पे इस पिछले 4 साल में ये मेरा तीसरा विजिट है। तो तीसरा विजिट में मैं यहाँ नतीजा भी देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ शुरू में आया था तो हमारा ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है इतना सुंदर इतना अच्छा नहीं बने थे। उसके बाद यहाँ लोगों का जो मांग आया फिर हमने भी किया, यहाँ के सभी लोगों ने काम किया, उसके आप सबको मुबारक है। अभी ये हॉस्पिटल का हालात जो है काफ़ी सुधर गया, काफ़ी ब्यूटिफाइड किया बाहर से भी और अंदर, इक्विपमेंट भी मुझे पता है आज के डेट में पूरे खत्ते लद्दाख में जितने भी हमारा मेडिकल सेंटर है आज इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं। यहाँ इक्विपमेंट्स की भी कमी जो है बहुत सारे दूर कर चुके हैं, अभी ज़्यादा कमी नहीं है। अभी आपका डिमांड आया कि इसको अपग्रेड करना है या डॉक्टर का पोस्ट क्रिएट करना है या लगाना है, वो सारा मैं नोट करके इसको भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। आपका हर एक डिमांड पे मैं बोलते जाऊं तो समय लंबा खींचेगा क्योंकि इसके बाद और भी 2-4 गांव जाना है तो सभी लोगों को टाइम देना है। बाकी आपके जितने भी गिले शिकवाए हैं, जितने भी आपके मांगे हैं, जितने भी आपके जो पॉइंट्स है वो सारा यहां आपने लिख के भी दिया है। बाकी जो यहां लिख के नहीं दिया अभी यहां भाई साहब ने बोला वो मैंने भी यहां लिखा है। तो इस हर एक पॉइंट पे मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, हर एक पॉइंट पे मेरा चिट्ठी जाएगा, मेरा लेटर जाएगा,
सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को और हर पॉइंट पे एक्शन भी लिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पिछली बार मैं यहाँ आया था तो यहाँ आपके एक्सरे मशीन का डिमांड था, मैंने दिशा कमेटी में उसका भी डायरेक्शन लिया था, डिसीजन लिया था, अभी मुझे पता चला वो यहाँ नहीं पहुंचा। यहाँ मैडम खैरून मुझे बता रहे हैं कल के दिशा मीटिंग में इसके पूरे टूर खत्म होने के बाद करगिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी ऑफिसर के साथ मेरा मीटिंग होगा, उसमें भी ये पॉइंट वहाँ डिस्कस किया जाएगा, वही पॉइंट भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। आपके जो NH-301 का मसला है वो NHRDCL के उनसे भी मैंने सुबह बात किया, जो ये पैकेज नंबर 1, 2, 3 का जो इस इलाके से जाते हैं उसमें जितने भी कंपनसेशन का जो आपका सर्वे हुआ है ट्रीज का, स्ट्रक्चर का, लैंड का, खासकर ट्रीज का जो है स्ट्रक्चर का, उसका एस्टिमेट जो है यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो देना है वो अभी अधूरा है मेरी जानकारी में आया, उसका भी हम जल्दी क्लियर करके जितने से जल्द हो सके आपके अपने जो है ख्वाहिश के हिसाब से वो सारा पूरा किया जाएगा, ये मैं आपको ईश्वर देता हूँ। बाकी आप सबको यहाँ इतने तादाद में जमा होने के लिए हम सब की ओर से आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।